एक अच्छे फाइटर के दो ही सबसे बड़े लक्षण होते हैं, चंचल शरीर और शांत मन। आज की ये वीडियो हाउ टू बी फियरलेस इन फाइट्स आपको और भी अधिक पसंद आएगी। अगर आप अपनी फाइट्स में फियरलेस बनना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे कोच के अंडर में किसी प्रकार के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करें और काफ़ी लंबे समय तक करें। फिर आप छोटे छोटे टूर्नामेंट्स खेले जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, और उसमें आपकी धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो वैसे दिलेर बन के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दिलेर तो कुत्ता भी होता है, वो भी भौंकने का, और उसे बोला जाए तो वो भी शेर पर भौंक सकता है। पर जब उसे लड़ने की बात कही जाए तो शेर से लड़ने का किसी का नहीं होता। इसलिए अपने आप अपनी ट्रेनिंग हार्ड करो और अपने आप को इतना अच्छे लेवल पर अपने आप को फाइटर बना लो कि तुम्हें लड़ने की चैलेंज भी करने के लिए हजार बार सोचे। आई कॉन्टैक्ट, अगर आप पहले से प्रोफेशनल और ट्रेन फाइटर है तो मैं आपको बता दूं, अब अपनी फाइट में जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं अपनी रिंग में या कहीं भी अरीना में, तो आप तुरंत अपने ओपोनेंट के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करें। पर मैंने देखा अधिकतर चूतिए नीचे देख, सबसे पहले तो आपका ध्यान नहीं भटकता है कि आपके अगल बगल कौन खड़ा, आपको कौन देखने आया, कौन क्या कर रहा है, उसमें आपका ध्यान नहीं, आपका ध्यान पूरा अपने ओपोनेंट के आइज पर होता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपका आइज पर कॉन्टैक्ट है तो आपको किसी प्रकार का भय लगेगा। और दूसरी खासियत यह है इसकी कि आपको सामने वाले के अटैक्स और पंचेस आपको पहले से दिखने चालू हो जाएंगे कि उसने चलाया, जैसे बोलते हैं ना स्पाइडरमैन दिखते थे, तुम लोगों को भी दिखेंगे। पर क्या है, आई कॉन्टैक्ट बनाने के एक तरीका होता है, उसका भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ के बाद मैं आपको उस पर भी वीडियोज़ बनाऊंगा। तीसरा स्टेप है, जब भी आप अपनी फाइट प्रोफेशनल फाइट में या किसी स्ट्रीट फाइट में उतरते हैं तो तुरंत ही आपके सामने कोई भी ओपोनेंट खड़ा हो उसकी परवाह न करते हैं। अगर आपको कोई दुश्मन है, मुझे पता है कि किसी न किसी का कोई ना कोई दुश्मन होता ही है, इससे आप किसी के साथ फाइट करते अगर आपको भय लगता है तो आप डायरेक्टली अपने ओपोनेंट को उसके अंदर में इमेजिन करें, तो आपकी ताकत वैसे भी बढ़ जाएगी कि आप अपने ओपोनेंट को करें और आप पूरी ताकत के साथ उससे लड़ेंगे। हारने का डर तो छोड़ दो, मुझे लगता मार मार, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखें और अपने एनिमीज को अपने ओपोनेंट में देखें। इसका चौथा स्टेप है अनटच स्पीड, यानी कि आपके बदन में इतनी फुर्ती आ जाए जैसे कि ब्रूस ली को कोई जल्दी छू नहीं पाता था, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। लेकिन ब्रूस ली ने भी बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की, सालों की मेहनत थी उसकी, तो आपको भी उसकी स्पीड पाने के लिए आपको बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी ताकि आप अपनी बॉडी को इतनी फुर्ती से हटा सको, डॉच कर सको, डक कर सको और अटैक पंच कर सको। स्पीड करने के बाद ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट टूर्नामेंट से उतर जाओ, आप अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपकी वैसी स्पीड आई भी है कि नहीं, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस वैसी स्पीड आ गई है तो मुझे यकीन है कि आपको फाइट्स में तब किसी भी प्रकार का डर नहीं लगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है कि मैंने इतने लोगों के साथ प्रैक्टिस कर ली है कि कोई भी मुझे छू नहीं पाता है, तो जब ये मुझे छू नहीं पाता है और अच्छे अच्छे के साथ मैंने प्रैक्टिस कर ली है तो फिर ये तो मेरे सामने बच्चे हैं। तो इसका पांचवा स्टेप है हार्ड योर बॉडी लाइक आयरन, यानी अपने शरीर को लोहे की तरह मजबूत कर लें, और वो लोहे की तरह मजबूत कोई एक दिन में तो होने नहीं वाला, कई सालों की कड़ी मेहनत लगती है। और अगर आप चाहें कि इसे अपनी बॉडी को कैसे हार्ड करना तो आप मेरी दूसरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने इस पर कई तरह की वीडियोस पहले से बनाई हुई है, तो अपने बॉडी को कैसे हार्ड करना आप आसानी से सीख सकते हैं। और ये बॉडी एक भी नहीं हार्ड होने वाली है, आपको उसे धीरे धीरे हार्ड करना, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी में आपको चोट लग सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका शरीर लोहे की तरह हार्ड हो जाता है तो मुझे नहीं लगता जिस इंसान का शरीर इतना हार्ड है कि उसे किसी के मारने पर, किसी का अटैक करने पर किसी प्रकार का चोट ही नहीं लग रहा, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, जैसे बदन पूरा सुन पड़ गया। जैसे आपने अंडरटेकर को देखा होगा, अंडरटेकर को इतना मारा साला, इतना हरामी आदमी है कि फिर उठ के खड़ा हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी प्रैक्टिस और चाहिए तो आपको वैसा बदन भी अपना हार्ड करना होगा, तो वीडियोस में जाके देखें और अपने बदन को जल्द से जल्द हार्ड करें ताकि आप फियरलेस आराम से बन सकें। छठा और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेडिटेशन, यानी मेडिटेट योर बॉडी, मतलब 5-10 मिनट आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान लगाना है और अपने चक्रों को खोलने की कोशिश करनी है। तो मेडिटेट करें जिससे आपका सांस और आपका दिमाग, आपकी बॉडी आपके हसन में आपके कंट्रोल में आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि एक अच्छे फाइटर के दो ही सबसे बड़े लक्षण होते हैं, चंचल शरीर और शांत मन। जिसके पास ये दोनों चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि वो कहाँ का चैंपियन है, क्योंकि आप अगर कोई ऐसा चैंपियन है तो आप उसे उसके रवैये से, उसके एटीट्यूड से देख सकते हो कि वो दोनों चीज़ उसके हैं। भले आप ये मत देखो कि वो कितनी ऐसे बकचोदी जूद रहा है, ऐसे करके मैग्रेगरी ऐसे चल रहा है, वो मत देखो, पर देखो कि उसमें कितना नॉर्मल एटीट्यूड, उसका दिमाग कितना शांत है। जैसा वो एटीट्यूड अपनी फाइट से पहले रखता है, जब वो फाइट करता है तो बिल्कुल शांत रहता है, तो ये वैसे नहीं, वो मेडिटेशन करता है तुमको। और मुझे उम्मीद भी है और मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत हंसी भी आएगी मेरे शब्दों को सुनकर, और आप फियरलेस बने ना बने पर मज़ेदार तो मैं बनी चुका हूँ आप लोगों के लिए नहीं। तो अगर आप अपनी इस वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आप फियरलेस गारंटीड बनेंगे। और मैं इस वीडियो की इस टॉपिक के लिए सबसे पहले सिद्धार्थ रॉय चौधरी वेस्ट बंगाल इंडिया से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा ध्यान इस टॉपिक पर केंद्रित किया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद वीडियोज़ मैं बनाऊँ और आपका नाम इस अपनी वीडियोस अपने चैनल में बताऊं,
तो आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी मनपसंद वीडियोस को किसी भी टाइप के मार्शल आर्ट या कोई भी टॉपिक फाइट्स या एटीट्यूड से रिलेटेड कि आपको कैसा एटीट्यूड फाइट्स में रखना चाहिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने के